एक नया रेसिपी लेके आप लोग के सामने। हमने दो टमाटर को चार पीस करके डाला, जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला 2 स्पून, साल्ट 1 स्पून, चिल्ली पाउडर 1 स्पून, टर्मरिक पाउडर 1 स्पून, गरम मसाला 1 स्पून, ब्लैक पेपर 1 स्पून, जीरा पाउडर 1 स्पून, मीट मसाला 1 स्पून, थोड़ा सा ऑयल डाला 1 स्पून, विनीगर ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। अब इसको हम एक साथ मिक्सी में पेस्ट कर लेंगे इस तरीक़ा से। ये हमारा हो गया रान का मसाला। अब हम रान को मसाला में मिलाएंगे, यानी कि मटन है ये। दो अक्खा लेग पीस लिया मैंने, मटन का 2 लेग पीस लेने के बाद मसाला इस तरीके से डाल के हम इसको अच्छे तरीके से मसाला पूरा मिला लेंगे हाथ से, और 15 मिनट छोड़ देंगे इस तरीक़े से। 15 मिनट के बाद हमने वापस इसको फॉइल में पैक करेंगे। ये हमारा मसाला ऑलरेडी हो चुका है। अब 15 मिनट के बाद इसको हमने फॉइल में पैक करेंगे। ये फॉइल काटा हमने इस तरीक़े से, इसको हम पैक करेंगे रान को। इस तरीक़े से हमने पूरे अच्छे तरीक़े से फॉइल लगा कर अच्छे तरीक़े से पैक कर लेंगे एक एक पीस को। फॉइल अगर लगाने के टाइम में आप ध्यान रखना, कहीं लीकेज ना रहे। लीकेज रहेगा तो फिर वो जूसी नहीं रहेगा, ड्राई हो जाएगा। तो अच्छे तरीक़े से फॉइल लगा कर अब इसको पूरे चारों तरफ से बंद कर लेना। बंद करने के बाद इस तरीक़े से दोनों रान को मैंने, लेग पीस जो लिया मटन को, इस तरीक़े से मैंने मसाला सारा डाल के सिल्वर फॉइल में पैक कर रहा हूँ। इस तरीक़े से थी, मैंने इस तरीक़े से पूरा पैक कर लिया। आप भी जब पैक करोगे ध्यान रखना इस चीज़ का कि कहीं से लीकेज ना रह जाए। तो सारा मटन का जो जूस है वो नीचे निकल जाएगा, तो लीक नहीं होना चाहिए। हम और थोड़ा पेपर लिया। सिल्वर फॉइल लेने के बाद इसको अच्छे तरीक़े से हम टाइट करके मटन को इस तरीक़े से खींचेंगे। आप लोग देखना, इस तरीक़े से मटन को इस तरीक़े से खींचेंगे। हमने पूरा खींच के इस तरीक़े से टाइट करके हमने इसको इस तरीक़े से फॉइल में पूरा पैक कर लेंगे, यानी कि उसका जो रस है मटन का अंदर ही रहे, तो मटन बिल्कुल जूसी रहेगा। हम आपको दिखाएंगे वीडियो, आप लोग बने रहना आखिर तक, वीडियो देखते रहना किस तरीक़े से हम मटन रान बनाते हैं। ये हमारा आज का नया रेसिपी है, मटन रान। इस तरीक़े से हमने सारा फॉइल में पैक कर लेंगे। पैक करने के बाद ये हमारा लास्ट पैकिंग है। इसमें 3 बार हमने फॉइल लगाया, पहला सेकेंड और ये थर्ड चल रहे हैं, ये हमारा आखिरी है। ये पूरा ऑलरेडी हो चुका है दोनों, इस तरीके से पैक कर लिया। अब हम जाएंगे इसको मशीन में डालने के लिए। ईरान का मशीन आ गया, ईरान का मशीन है। इसको हम क्लिप में घुसाएंगे टांग को इस तरीके से, टांग को इस तरीके से घुसा के, और नीचे में इसका सपोर्ट लगाएंगे। यहाँ एक सिल्वर फॉइल हमने और एक लगा दिया, दूसरा 2 रान लगा दिया। आप छोटी छोटी 2 टुकड़े सिल्वर फॉइल का लेंगे, और सिल्वर फॉइल का लेके इसको अच्छे से लिपट देंगे इस तरीक़े से। आप लोग देखो इस तरीक़े से हमने इसको लपट देंगे, क्योंकि वहाँ ज़्यादा ड्राई ना हो जाए, इस वजह से हमने इसको लपेट दिया। दोनों में इस तरीक़े से हमने करेंगे, इस तरीक़े से हमने लपेट दिया पूरा, और इसको हम 2 घंटा के लिए पकाएंगे। 2 घंटा इस तरीक़े से हम मशीन में छोड़ देंगे, मशीन चालू कर देंगे आप इस तरीक़े से। 2 घंटा हमने पकाएंगे। 2 घंटे के बाद इसको हम वापस निकालेंगे। अब हमारा 2 घंटा ऑलरेडी हो चुका है। अब इसको हम सलाद में जाएंगे। सलाद में जैसे मंदी में हम देते हैं सलाद, एक डिजाइन बनाते हैं इस तरीक़े से। पहले कुकुम्बर को इस तरीक़े से काट के हमने एक डिजाइन बनाया, फिर कुकुम्बर को काट के दिल का एक स्टाइल बनाएंगे। आप लोग वीडियो देखते रहना। हमने इस तरीके से सारा कैरेट, कुकुम्बर, टमाटो सब काट के, इस तरीके से दिल हो गया है। इस तरीके से हमने सब काट के सलाद का सब तैयारी करके रखा है। हमारा 2 रान का ऑर्डर है, तो हमने ये सब पहले से तैयारी करके रख चुका है। आपको दिखाते हैं, इस तरीके से सारा हमने काट के रेडी करके रख चुका है। अभी हमारा ये मंदी राइस है, ये मंदी राइस इसमें हम डालेंगे दोनों को। मंदी राइस कैसे बनाता है, आप लोग हमारा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाओ, ये जाके वहाँ देखना मंदी राइस कैसे बनाता है। हमारा वीडियो ऑलरेडी एक मंदी राइस का
कैसे बनाता है उसका वीडियो ऑलरेडी हम लोग डाल चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो उसका लिंक हम दे देंगे, आप लोग देख सकते हैं मंदिरेस कैसे बनाता है। और इस तरीके से हमने दोनों राइस को गर्म करके इसमें फूल सजाएंगे, अब सारा सलाद सजाएंगे इसको बेहतरीन से, पूरा प्लेट को हम सलाद में सजा के बेहतरीन से भर देंगे। इस तरीके से हमने सारा सजा लेंगे धीरे धीरे, आप लोग देखते रहना वीडियो में। एक एक पीस इस तरीके से हमने कैरेट और कुकुम्बर एक कॉपर एक हम लोग लगाते रहेंगे इस तरीके से। देखिए पूरा प्लेट को इस तरीके से हम सजा। अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना, नए नए वीडियो आता रहेगा इस तरीके से। मंदिरेज कैसे बनाता है हमारा डिस्क्रिप्शन में हम रखा है लिंक, आप लोग वहाँ से देख सकते हो कैसे मंदिरेज बनाता है। ये हमारा ऑलरेडी हो चुका है सलाट में पूरा डिजाइन। अब हम ये दो घंटे के बाद हम उस रान को वापस खोलेंगे, ये पक चुका है पूरा। आप सीधा इसको लेके आएंगे, खोलेंगे आप लोग के सामने, देखो आप लोग इस तरीके से पूरा जूसी है। इस तरीके से इस रान को बहुत सॉफ्ट है, मैं उठाकर इसको प्लेट के ऊपर इस तरीके से रखूँगा। इस तरीके से देखो आप लोग वीडियो में देख रहे हैं आप लोग, इस तरीके से रखा, बाकी उसका जो जूसी है वो उसका ऊपर डाल देंगे इस तरीके से थी, यानी कि पूरा चारों तरफ उसकी खुशबू फैल जाए, खाने में बेहतरीन स्वाद लगे, अच्छी टेस्ट है, आप भी कभी ट्राई करना। पहला प्लेट हमारा जा चुका है, अब ये दूसरा प्लेट में हम आ रहे हैं। इस तरीके से हमने उठा के इस तरीके से आराम से बैठा देंगे, बहुत सॉफ्ट है, एकदम जूसी मॉडल है। अब उसका जो जूस है इसका ऊपर डाल देंगे इस तरीके से, राइस में पूरा फैल जाए जूसी। हमने इस तरीके से डिज़ाइन करके हो चुका है आज का हमारा।